प्यारे बच्चों अस्सलामुअलैकुम। आज हम 10वीं क्लास का तीसरा सबक हिसाबी तसावुर उसके अगले वर्ष की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक जाब्ता देख लेंगे हम हिसाबी तसावुर के एम अरकान का मजमुआ मालूम करने का एक जाब्ता है। एस एन एस मतलब मजमुआ, सम एन मतलब एन अरकान, तो इसका मतलब होगा उर्दू में एन अरकान का मजमुआ बराबर होता है एन बटे दो बड़ा ब्रैकेट फिर दो ए जमा एन मनफी ए और डी। ये पहला जाब्ता है एन अरकान का, एन अरकान की जमा मालूम करने के लिए। और एक दूसरा जाब्ता और है जो हम इस्तेमाल करते हैं, एस एन बराबर एन बटे दो इन ब्रैकेट टी वन, इसका मतलब होता है पहला रुकन, जमा टी एन इसका मतलब होता है आखिरी रुकन। अगर पहला रुकन और आखिरी रुकन दिया गया है हमारे पास और एन अरकान की जमा पूछा हमसे, तब हम इस जाब्ते का इस्तेमाल करके, ये दूसरा जाब्ते का इस्तेमाल करके एस एन की कीमत मालूम कर सकते हैं। और अगर ए और डी और एन की कीमत दिया हुआ है तब हम पहले जाब्ते का इस्तेमाल करके एस एन पहले एन अरकान की जमा मालूम करेंगे। मश्क 3.3 सवाल नंबर 2 पहला होमवर्क। पहले 123 जुफ तबई आदाब की जमा कीजिए। जुफ तबई आदाब सभी को पता है 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके के जो आदाब होते हैं दो से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाते हैं उन्हें जुफ्त आदाद कहते हैं। तो पहले जो 123 जुफ्त तबई आदाद आने वाले हैं उनकी हमें जमा मालूम करना है। तो ए बराबर पहला रुकन दिया हुआ है 2, मुश्तरिक फर्क डी, दूसरे में से पहला तफरीक करेंगे जुफ्त अदद है इसलिए लाजमी तौर पर 2 आएगा, 4 में से 2 तफरीक करें बचेगा 2, 6 में से 4 तफरीक करेंगे बचेगा 2 और स्मॉल एन बराबर हो जाएगी 123, क्योंकि 123 जुफ तबई आदाद की जमा हमें मालूम करना है। हम इस्तेमाल करेंगे पहला जाब्ता जो मैंने लिखाया था एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में 2 ए जमा एन मनफी ए डी, यस, और ये एन की जगह लिखेंगे 123 बराबर 123 बटे 2 फिर ब्रैकेट ये 2 जरब ए की कीमत होती है 2 फिर जमा एन की कीमत है 123 मनफी ए जरब डी की कीमत है 2 ब्रैकेट क्लोज। 123 बटे 2 एज इट इज रखेंगे अभी, ये सिंपल ब्रैकेट ये 2 दोनों होता है 4 जमा 123 में से तफरीक करेंगे 122 जरब 2। नेक्स्ट अगले स्टेप 123 बटे 2 एज इट इज ये फिर सादा ब्रैकेट ये 4 जमा 2 दोनों 4 2 दोनों 4 2 एका 2 तो 123 बटे 2 एज इट इज रहेगा। 244 में अगर हम 4 जमा कर दे तो ये हो जाएगा 248। अगले स्टेप फिर 123 एज इट इज, अब ये 248 को 2 से हम तकसीम करेंगे 2 एका 2 2 दो 4 2 चौक 8, अब ये हो जाएगा 123 जरा 124, अब इन दोनों का जवाब होगा 15,252। तो पहले 123 जुफ तबई आदाब का मजमुआ 15,252 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक हिसाबी तसावुत का 19वां रुकन 52 और 38वां रुकन 128 है, उसके पहले 56 अरकान की जमा मालूम कीजिए। फर्ज कीजिए हिसाबी तसावुत का पहला रुकन स्मॉल ए और मुश्तरिक फर्क स्मॉल डी
है, इसलिए दिया हुआ है हुआ है 19वां रुकन, P19 बराबर 52 और 38वां रुकन जिसे जाहिर करेंगे P38 बराबर 128। पीएन का जब्ता इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर, पीएन बराबर ए जमा एन मनफी ए डी, 19वां रुकन दिया P19 बराबर ए जमा 19 मनफी ए डी। P19 की कीमत हमारे पास दी हुई है 52 बराबर ए जमा 19 में से एक तफरीक करेंगे बचेगा 18 डी, मसावात नंबर एक। इसी तरह इसके बाद T38 की कीमत दी हुई है तो T38 बराबर होगा ए जमा एन मनफी ए, तो 38 मनफी ए डी एज इट इज। T38 की कीमत 128 है, इसलिए 128 बराबर ए जमा 37 डी, ये होगी मसावात नंबर दो। मसावात एक और मसावात दो की जमा करने पर मसावात एक में हमने लिखे थे 52 बराबर ए जमा 18 डी और मसावात नंबर दो में लिखे 128 बराबर ए जमा 37 डी। दोनों मसावतों की हम जमा कर रहे, 52 जमा 128, 8 और 2 10, 5 और 2 7 और 1 हासिल का 8, एक एज इट इज बराबर ए जमा ए 2 ए जमा 8 और 7 15 के 5 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल का 55, 5 हो गए 55 डी, तो 2 ए जमा 55 डी इसकी कीमत हमें हासिल हुई 180। मसावात नंबर तीन, एस एन का जब्ता इस्तेमाल करेंगे, एस एन बराबर एन बटे दो इन ब्रैकेट 2 ए जमा एन मनफी एक डी। पहले 56 अरकान की जमा मालूम करना है, इसलिए एन की जगह लिखेंगे 56 बराबर 56 बटे दो फिर ब्रैकेट में 2 जरब ए, तो जैसा वैसा रहेगा एज इट इज रहेगा वो, एन की जगह फिर 56 मनफी ए डी। 56 को अगर 2 से तकसीम करे तो बचेगा 28, ब्रैकेट में हो जाएगा 2 ए जमा 56 में से तफरीक करेंगे 55 डी। अगर हम मसावात नंबर 3 को देखें और इस ब्रैकेट को देखें तो दोनों मसावी है, 2 ए जमा 55 डी की कीमत हमने मसावात नंबर 3 में मालूम करे 180। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे मसावात 3 से हो जाएगा एस 56 बराबर 5040, यानी इस हिसाबी तसावुत के 56 अरकान की जमा 5040 होगी। सवाल नंबर 6, एक हिसाबी तसावुत के पहले 55 अरकान की जमा 3300 है, उसका 28वां रुक्न मालूम कीजिए। 28वां रुक्न मालूम करना है, इसका मतलब यह है कि T28 मालूम करना है। यहां से लिखेंगे कि फर्ज किया हिसाबी तसावुत का पहला रुक्न स्मॉल ए और मुश्तरिक फर स्मॉल डी है। दिया हुआ है पहले 55 अरकान की जमा, तो उसे जाहिर करेंगे एस 55 से, ये बराबर हो जाएगा 3300। एस एन का जब्ता इस्तेमाल करेंगे, एस एन बराबर एन बटे दो ब्रैकेट में 2 ए जमा एन मनफी ए डी।
Sn पहले 55 है इसलिए लिखेंगे S 55 बराबर 55 बटे 2 ब्रैकेट में पहला रुकन A एज इट इज, तो 2 A जैसा का वैसा रहेगा 55 मनफी A, D की कीमत D ही है। S 55 की कीमत दी हुई है सवाल में 3300। जरा ये 2 यहां से हटेगा, इसके जरब में चले जाएगा, तो ये बचेगा 55 ब्रैकेट में 2 ए जमा 55 में से एक अगर हम तफरीक कर दे तो होगा 54 डी। नेक्स्ट अगली बार ये 55 यहां से हटेगा, इसके नसब नुमा में आता है, तो ये हो जाएगा 3300 जरब 2 बटे 55 बराबर, यहां से अगर हम 2 मुश्तरिक ले ले तो ब्रैकेट में बचेगा ए जमा 54 में से 2 मुश्तरिक ले गए, इसका मतलब होता है 54 को 2 से तकसीम करना, तो बचेगा ब्रैकेट में 27 डी। यहां पर तकसीम का अमल होगा, तो ये 11 पंजे 55 11 तिया 33 300 जरब 2 बटे यहां पर आएगा 5 बराबर, ये 2 एज इट इज ब्रैकेट में बच गया ए जमा 27 डी। अगली बार ये 2 यहां से हटेगा, फिर नसब नुमा में आएगा और ये हो जाएगा 5 छके 30 60 जरब 2, ये 2 यहां से हटने के बाद नसब नुमा में आता है बराबर हो जाएगा ए जमा 27 डी, ये 2 से 2 कैंसल, इसलिए ए जमा 27 डी बराबर होता है 60। तो ये मसावात नंबर ए। अब 28वां रुकन मालूम करना है, इसलिए जाप्ता लगेगा टी एन बराबर ए जमा एन मनफी ए डी, तो एन की कीमत है 28, टी 28 बराबर ए जमा 28 मनफी 1 डी, तो टी 28 हो जाता है ए जमा 27 डी। अगर हम मसावात नंबर 1 को देखें तो उसमें ए जमा 27 डी की कीमत 60 है, इसलिए ये हो जाएगा टी 28 बराबर 60 मसावात 1 से। नंबर 8 तो एक हिसाबी तसावुत के मुतवातिर चार अरकान की जमा 12 है, उन चार मुतवातिर अरकान में से तीसरे और चौथे अरकान की जमा 14 है, वो चार अरकान मालूम कीजिए। यहां से स्टार्ट करेंगे, फर्ज कीजिए एपी के चार मुतवातिर अरकान ए माइनस डी ए ए जमा डी और ए जमा 2 डी है। अब पहली शर्त के मुताबिक दिया हुआ है हमारे पास एपी के चार मुतवातिर अरकान की जमा 12 है, पहला रुकन है ए मनफी डी जमा दूसरा रुकन ए जमा तीसरा रुकन ए जमा डी जमा चौथा रुकन ए जमा 2 डी और इन चारों की जमा 12 है, ये हमारी पहली कंडीशन है। ये मनफी डी से ये मनफी डी कैंसिल हो जाएगा, ये ए जमा ए जमा ए जमा ए, तो होता है 4 ए जमा 2 डी बराबर 12, तरफैन को 2 से तकसीम करने पर, अगर तरफैन को 2 से तकसीम कर दे तो बचेगा 2 ए जमा डी बराबर 6, मुसावात नंबर 1 हमें हासिल होती है। दूसरी शर्त के मुताबिक
दूसरी शर्त में उसने कहा कि उन चार मुतवातिर अरकान में से तीसरे और चौथे अरकान की जमा 14 है। हिसाबी तसावुत का पहला रुकन है ए मनफी डी, दूसरा रुकन है ए, तीसरा रुकन है ए जमा डी, चौथा रुकन है ए जमा 2D। तो चार मुतवातिर अरकान में से तीसरे और चौथे रुकन की जमा, इसका मतलब होगा मतलब ए जमा डी जमा ए जमा 2D बराबर होता है 14। ए जमा ए हो जाएगा 2A जमा डी जमा 2D हो जाएगा 3D बराबर 14। ये हमें हासिल हो गई मसावात नंबर 2। मसावात 1 और 2 की जमा करने पर यहाँ पर लिखेंगे हम कि मसावात 1 और 2 की तफरीक करने पर, मैंने जमा कहा हम तफरीक करेंगे क्योंकि ए के जरीब मसावी है, तो ये हो जाएगा 2A जमा डी बराबर 6 और होगा 2A जमा 3D बराबर 14। तफरीक करेंगे तो ये तफरीक, ये अलामत और यहाँ पर भी तफरीक की अलामत आएगी, 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा, जमा डी मनफी 3D तो मनफी 2D बराबर हो जाएगा मनफी 8। इसका मतलब होता है 2D बराबर 8, मनफी से मनफी कैंसल, यहां से D की वैल्यू निकलेगी D बराबर 8/2 यानी D बराबर 4। D की कीमत हम मसावात नंबर 1 में रखेंगे, D बराबर 4 मसावात 1 में रखने पर, मसावात नंबर 1 है 2A जमा डी, डी की कीमत 4 बराबर 6, इसका मतलब 2A बराबर 6 मनफी 4, 6 में से 4 तफरीक करेंगे बचेगा 2, तो A बराबर हो जाएगा 2/2 यानी 1। तो ये पहला रुकन 1 हमें हासिल हुआ और डी की कीमत 4। ए बराबर 1 और डी बराबर 4, यहां से पहला रुकन हमने फर्ज किए थे ए मनफी डी, तो ए मनफी 4 बराबर होगा मनफी 3। दूसरा रुकन था ए यानी 1, उसके बाद ए जमा डी, ए जमा 4 होगा 5 और चौथा रुकन था ए जमा 2D, 1 जमा 2 ज़रब 4 होता है 1 जमा 2 चौक 8 बराबर 9। इसलिए हिसाबी तसावुत के चार मुतवातिर अरकान -3, 1, 5 और 9 है।